हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास -1 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि आपको जेड इक्वल -1 प्लस आयोटा दे रखा है और आपको ये कहा है कि जेड इक्वल आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में ज्ञात कीजिए। अगर आर और थीटा आपको मिल जाए और आप वो सारा मान यहाँ पुट कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक तरीके से मापांक और कोणांक ये तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मापांक के लिए। तो मापांक हमारे पास क्या होता है, आर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान क्या है, -1 और वाई का मान 1। तो आर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √2। आर तो आ गया। अब हमें थीटा ज्ञात करना है। थीटा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में। एक्स का मान तो माइनस का है लेकिन वाई का मान क्या है, प्लस का। तो ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा होता है। अब बात आ गई अल्फा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो अल्फा बराबर मेरे पास होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अल्फा बराबर टेन इनवर्स 1 अपॉन -1। तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स 10 3 पाई बाई 4। 10 से 10 कैंसिल, तो अल्फा बराबर 3 पाई बाई 4। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं हम थीटा यानी कि कोणांक। तो कोणांक यानी थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा। थीटा इक्वल पाई माइनस 3 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4। कोणांक और मापांक आ गया। अब ध्रुवीय रूप क्या है, ये तो है जेड इक्वल आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ वैल्यू पुट करो, जेड आर की वैल्यू √2 कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 इज आंसर। दिस इज ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। ओके।